गाइस, दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर और मैं फिर से आ गया हूँ एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। पिछले वीडियो में हमने लॉक एंड की के फर्स्ट एपिसोड के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम सेकेंड एपिसोड के बारे में देखेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना इस वीडियो में आपको कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। फर्स्ट वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बॉडी से एनीवेयर की लेके एको वहाँ से चली जाती है। शीशे में जाने के बाद नीना सब कुछ भूल जाती है पर बच्चों को सारा हादसा याद होता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम सेकंड एपिसोड में देखेंगे। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम बॉडी को की और एको की तस्वीर बनाते हुए देखते हैं और नीना सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। किन्जी नीना को वापस कल रात के बारे में पूछती है पर नीना को कुछ याद नहीं रहता। किन्जी बॉडी को कहती है कि कल जो हुआ वो शायद हमारा वहम हो सकता है, पर बॉडी किन्जी को वापस शीशे के सामने लेके जाता है और वापस की लगाकर किन्जी को यकीन दिलाता है कि कल जो हुआ वो हमारा वहम नहीं था। इतने में टायलर वहाँ जाता है और शीशे में लगी की को निकाल देता है। टायलर बॉडी से पूछता है क्या तुम्हें और भी ऐसी की मिली है। बॉडी डर के मारे हाँ बोलता है पर वो एको का नाम नहीं लेता। बॉडी कहता है कि उसे एक एनीवेयर की मिली थी पर वो उसने खो दी। टायलर मिरर की अपने पास रख लेता है। फिर टायलर और किन्जी दोनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। घर के बाहर टायलर का दोस्त होता है जो टायलर और किन्जी को की हाउस से जुड़ा किस्सा बताता है। टायलर का दोस्त ये कहता है कि घर में एक औरत थी जो पागल हो गई है और अभी वो हॉस्पिटल में है। वहीं दूसरी तरफ बॉडी अपने खिलौने वाली तलवार लेकर पूरे घर पर घूमता रहता है। बॉडी को लगता है कि इस खिलौने वाली तलवार से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह असली तलवार ढूंढने जाता है। पर उसी वक्त बॉडी को एक मशीन से आवाज आती है जिसे खोलकर बॉडी को एक नई की मिलती है। उसी दिन की हाउस में एक औरत आती है जिसका नाम एली होता है। एली रूफस की माँ होती है और वो अपने बेटे से मिलने आई थी। रूफस वही लड़का है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में आइसक्रीम पार्लर के बाहर देखा था। रूफस की हाउस में बर्फ निकालने का काम करता था। एली पीटी टीचर थी और उसे देखकर नीना को कुछ याद आता है। नीना एली को रैंडल लॉक की दोस्तों की तस्वीर दिखाती है जिसमें एली भी शामिल होती है। एली उस फोटो को देखकर थोड़ी उदासी हो जाती है। एली नीना से कहती है कि उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था जिसके बाद सारे दोस्त बिछड़ गए थे। एली का बॉयफ्रेंड लूकस जो तस्वीर में है और उसके साथ दो लोग सी केव्स में डूब के मर गए थे। उसी वक्त नीना को स्कूल से कॉल आता है और फीस पेंडिंग होने के कारण नीना को स्कूल में बुलाते हैं। नीना जब फोन में बिजी होती है तो एली अपनी दोस्तों की तस्वीर देखकर और उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बॉडी को नई मिली हुई की वो हर जगह इस्तेमाल करता है पर उसे पता ही नहीं चलता कि ये की काम कैसे करती है। बॉडी रूफस की मदद लेने के लिए उसके पास जाता है। बॉडी रूफस एक हथियार मांगता है जिससे वो अपने दुश्मन को पकड़ सके। बॉडी यह हथियार एको के लिए मांगता है जिसे बॉडी को पकड़ना था। रूफस बॉडी को एक बड़ा सा भालू का शिकार करने का हथियार देता है जिससे एको पकड़ी जाए। दूसरी तरफ एको दिखाई जाती है जो एनीवेयर की मदद से होटल में थी। एको उस होटल में बहुत सारा खाना खाती है और बिना पैसे दिए हुए एनीवेयर की यूज करके वहाँ से चली जाती है। एको फिर वहाँ से कपड़े की दुकान में पहुँचती है। एको कपड़े की दुकान से अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेती है और कपड़े बदल कर वहाँ से भी एनीवेयर की मदद से निकल जाती है। एको एक ज्वेलरी शॉप में पहुँचती है जहाँ से नेकलेस चुरा कर वो क्लब में जाती है। किन्जी अपने स्कूल में लंच करती रहती है और इतने में वहाँ स्कॉट आ जाता है। स्कॉट किन्जी को फिर से घर बुलाता है जहाँ पे वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे होते हैं। स्कॉट किन्जी को शूटिंग देखने के लिए शाम को अपने घर बुलाता है। नीना फीस भरने के लिए स्कूल जाती है जहाँ उसे प्रोफेसर जो मिलते हैं। प्रोफेसर जो पहले रैंडल को पढ़ा चुके थे और अब वो टायलर को पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर जो उस हादसे के बारे में नीना को बताते हैं जो अली ने पहले ही नीना को बता दिया था। अगले सीन में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रैंडल और टायलर दोनों बात कर रहे होते हैं। लॉक फैमिली जहाँ पहले रहती थी वहाँ रैंडल टीचर का काम किया करता था और उसी स्कूल में टायलर भी पढ़ता था। टायलर अपने पिता रैंडल की कैबिन में था और रैंडल उसे सैम विल्सन के बारे में पूछते हैं। रैंडल टायलर को और सैम को एक साथ लाना चाहता था इसलिए वो टायलर को समझा रहा था, पर ये टायलर को पसंद नहीं आता क्योंकि सैम बहुत ही शांत और अजीब सा लड़का था। वहाँ दूसरी तरफ बॉडी और नीना एक हार्डवेयर स्टोर जाते हैं। बॉडी को जो चाबी मिली थी वह चाबी वो दुकान मालिक को दिखाता है। बॉडी दुकान मालिक को कुछ नकली चाबी देने के लिए बोलता है। दुकान मालिक जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके गले में एक छेद बनता है जिसके अंदर बॉडी चाबी डालने की कोशिश करता है, पर उसी समय वो पीछे मुड़ जाता है और बॉडी को चाबी निकालनी पड़ती है। दुकान मालिक बॉडी को एक जार देता है जिसमें बहुत सारी नकली चाबी भरी थी। उसी दुकान में नीना घर के लिए कुछ सामान लेती है और उसकी नजर एक हथौड़े पे पड़ती है। हथौड़े को देखकर नीना उस दिन की यादों में चली जाती है जब उसकी पति की हत्या हुई थी। नीना के पैर पे गोली लगी थी और सैम किन्जी और बॉडी के सामने गन उठाने खड़ा था। तब नीना रेंगते हुए सैम के पीछे आती है और हथौड़े से उस पे वार करती है। दूसरे सीन में हमें बॉडी दिखाया जाता है जो रूफस के दिए हुए हथियार को छुपा रहा होता है।
बोडी उस हथियार को अपने बेड पे रखता है और उसके ऊपर एक कपड़ा रखता है। कपड़े के ऊपर बोडी एक नकली चाबी रखता है। बोडी को लगता है कि एको चाबी लेने जाएगी और उसका हाथ उस हथियार में फंस जाएगा। लगाकर बोडी नई मिली हुई चाबी को अपने गर्दन पे लगाने की कोशिश करता है पर वो नाकामयाब हो जाता है। इतने में एको वहाँ आती है और कपड़े पे रखे चाबी को देखकर खुश हो जाती है। एको चाबी उठाने जाती है और उसे पता चलता है कि उसके नीचे हथियार है, इसलिए एको बोडी को धमकी देती है कि जब तक वो वापस आएगी तब तक उसे एक नई की चाहिए। पर बोडी जब मना करता है तब एको बोडी का गला पकड़कर उसको समझाती है। एको फिर वहाँ से एनीवेयर की यूज करके कहीं चली जाती है। घर पे होती है जहाँ पे वो लोग शॉर्ट फिल्म शूट करने वाले होते हैं। यहाँ पर किंजी और स्कॉट के अलावा और भी काफी सारे दोस्त होते हैं जिनमें से एक का नाम होता है गेब। और शूटिंग के दौरान किंजी को वह वक्त याद आता है जब सैम गन लेकर उसे ढूंढ रहा था, इसलिए किंजी शूटिंग छोड़कर अपने घर चली जाती है। घर पर आकर किंजी को वो वक्त याद आता है जब उसके पिता ने किंजी को ब्रेसलेट दिया था जिसमें एनीवेयर की थी। उसी वक्त बोडी अपने कमरे में उस नई की का यूज करता है और वो की अपने गर्दन पे लगाता है। की को लगाते ही बोडी की बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है और एक दूसरा बोडी हमें दिखाया जाता है। बोडी की असल बॉडी एकदम फ्रीज हो चुकी थी और दूसरा बॉडी चल फिर सकता था। कमरे में रखे हुए एक ट्रंक के अंदर जाता है। बाहर टायलर और किंजी बात कर रहे होते हैं और उन्हें बॉडी दिखता है जो कि फ्रीज हो चुका था। टायलर और किंजी बॉडी के पास जाते हैं और उसके गर्दन पर लगी चाबी को देखते हैं। इतने में बॉडी पीछे से आवाज लगाता है और टायलर और किंजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर एपिसोड का अंत हो जाता है। आगे बढ़ने वाली है इसलिए आगे के एक्सप्लेनेशन अब जरूर देखना। आगे भी मैं एक्सप्लेनेशन जल्द लेके आऊंगा पर पहले इस वीडियो को अच्छा प्यार दिखाना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और आगे क्या होगा ये कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ हम वीडियो यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।